हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी मेमो PHC क्रीम की। ये एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है। इसका यूज़ बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम में किया जाता है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं इसको यूज़ करने के। इसका कुछ तरीका होता है, इसको अंधाधुंध जो है यूज़ नहीं किया जाता है। तो गाइज, ये क्रीम को जो है डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं स्किन के कुछ कंडीशन में। सो गाइज, आज के वीडियो में ये क्रीम के बारे में कम्प्लीट जानकारी देने वाली हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कब यूज़ करना है, ये सबके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका 15 ग्राम का प्राइस है 189 रुपीज़। ये आपको हर कोई मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगी। तो बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो इसका यूज़ बेसिकली दाग धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। अगर चेहरे पर डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, मेलास्मा है, हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पिंपल स्कार है, ब्लेमिसेस है, उस कंडीशन में ये क्रीम को जो है यूज किया जाता है। तो इसके अलावा ये चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है, अंडर आई डार्क सर्कल को भी हटाने में हेल्प करता है। जिसमें जो इंग्रेडिएंट का यूज किया गया वो काफ़ी जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है। इसमें यूज किया गया हाइड्रोक्विनोन, टेटिनोन, मोमेटासोन। तो हाइड्रोक्विनोन जो है एक तरह का ब्लीचिंग का काम करता है, ये डी पिगमेंट को रिमूव करने का काम करता है। मोमेटासोन जो है कैस्टोरॉइड है, ये इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करता है। तो टेटिनोन जो है स्किन को रिवर्स करने का काम करता है, स्किन को जो है यंग एंड यूथफुल बनाने का काम करता है। ये चेहरे से गंदगी को निकाल कर स्किन को ब्लीच कर देता है। तो गाइस, ये एक स्टोर्ड क्रीम है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ना ही लंबे समय तक यूज़ करना चाहिए। ओनली रात को इसको यूज़ करना है, वो भी एकदम थोड़ी सी क्रीम लगानी है और ओनली इफेक्टेड एरिया में ही लगाना है जहाँ जहाँ आपके दाग धब्बे हैं। गाइस, ये क्रीम को जो है 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा यूज करने से क्या होगा कि स्किन जो है सेंसिटिव हो जाएगी, पतली हो जाएगी, चेहरे पर बाल भी आ सकते हैं। इसलिए अगर आपके स्किन पर मेजर इशू है, आपको यूज़ करना भी पड़े, तो 4 से 6 हफ्तों के लिए ये क्रीम को लगाएं, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके छोड़ देना, इसे कंटिन्यू नहीं लगाना है। तो गाइस, ये क्रीम का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है, बहुत जल्दी स्किन पर फ़र्क दिखने लगता है, चेहरा साफ हो जाता है। लेकिन आपको इसे जो है फेनस क्रीम की तरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन स्किन है, ये क्रीम को नहीं लगाना है। और हर कोई प्रोडक्ट जो है अपने फेस पर लगाने से पहले एक बार पैस्टर जरूर ले लेना चाहिए, और इस टाइप को क्रीम को लगाने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।